हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने अच्छे स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके बारे में आपने अच्छा पता हो, उसका बिजनेस मॉडल पता हो, क्या वो कंपनी काम करती है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप दोस्तों अधूरी जानकारी से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको नुकसान होने का खतरा रहता है, आपको लॉस होने का खतरा रहता है दोस्तों। और ये जो 1-2 रुपए वाले स्टॉक के पीछे आप भागते हैं, क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर लेते हैं, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का दोस्तों। चाहे आप 4 स्टॉक लो, चाहे 10 स्टॉक लो, चाहे कितना भी स्टॉक लो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों, जिससे आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट हो जाए दोस्तों। दोस्तों उसके बाद बहुत ही अच्छी कंपनी का हम एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल, उसने पिछले सालों में क्या क्या पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट जाए दोस्तों। ये जो कंपनी ने शुरुआत की थी 1999 कंपनी ने शुरुआत की थी, जो कंपनी का बिजनेस है दोस्तों, जो एक्सचेंज हो गया, बॉन्ड पेपर हो गया और म्यूचुअल फंड में कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों। जो कंपनी का नाम है दोस्तों, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड। दोस्तों इंडिया के अंदर 2 ही कंपनियां हैं जो इसमें काम करती है, एक तो CDSL और एक NSL, यही कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में काम करती है दोस्तों। जो हम जैसे हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो इसका चार्ज होता है ये कंपनी पे ही पैसा जाता है दोस्तों। जो ये बड़ी बड़ी कंपनी से पैसा लेती है, जो रजिस्ट्री होती है इसमें, उससे इसका पैसा बनता है दोस्तों, प्लस म्यूचुअल फंड से, प्लस बीमा भी कंपनी करती है। इस तरह से कंपनी का बिजनेस करती है। जो ये पूरा बिजनेस होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिजनेस करती है कंपनी। जो कंपनी का रेवेन्यू देखें, कंपनी को डिपोजिट एंट्री से 78% की इनकम जरूरत है, और डाटा एंट्री से कंपनी को 21% की, और रिपोर्टरी से 19% की कंपनी को इनकम जनरेट होती है दोस्तों। जो कंपनी का नेटवर्क है, कंपनी का नेटवर्क देखो, राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश में 592 डीपी सर्विस कर रही है कंपनी, प्लस भारत के अंदर 20,689 से अधिक सर्विस सेंटर है कंपनी के पास दोस्तों। जो हम इसका देखिए दोस्तों, कंपनी का अभी 4 करोड़ के लगभग इसके अकाउंट है दोस्तों, कंपनी के 4 करोड़ डीमैट अकाउंट है कंपनी के। देखो ये भी अच्छी बात है, प्लस कंपनी 2021 में 709 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए थे म्यूचुअल फंड में दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट किया था। जो कंपनी का मार्केट कैप्चर है 10,446 करोड़ का मार्केट कैप्चर है दोस्तों। जो स्टॉक पी है 36.0 का, जो बुक वैल्यू है 103। जो हम इसकी ROC और ROE देखो दोस्तों, ROE बहुत अच्छी बढ़ रही है कंपनी की। जो ROC दे 41.4, जो ROE है 31.6 दोस्तों। जो हम इसका डिविडेंड देखें 1.50 का डिविडेंड दे रही है कंपनी, डिविडेंड भी ठीक दे रही है कंपनी। जो हम इसका फेस वैल्यू देखें 1:10 के साथ दोस्तों, फेस वैल्यू है इसका, सेल एंड ग्रोथ है कंपनी की, पिछले 10 साल में 19%, 5 साल में 30% और 3 साल में 41% कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का, पिछले 10 साल में 20%, 5 साल में 29% और 3 साल में 40% की कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है दोस्तों। और जो हम वही कंपनी का हम CGR देखें, पिछले 5 साल में 26%, 3 साल में 57% से कंपनी का CGR बढ़ा है। जो हम रिजर्व देखें कंपनी के पास अच्छा रिजर्व है दोस्तों, 971 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। जो बोरिंग है, मात्र 3 करोड़ का बोरिंग है जो अभी हुआ है, पहले 0-0 था, बिल्कुल बोरिंग नहीं था कंपनी का, कर्जा नहीं था। और जब इसका रिजल्ट देखें, क्वार्टरली रिजल्ट देखें दोस्तों, सितंबर और दिसंबर का, सितंबर में 149 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही दिसंबर में 141 करोड़ की सेल हुई है। जो वही हम सितंबर का नेट प्रॉफिट देखें 80 करोड़ था, वही दिसंबर का 75 करोड़ हुआ है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा नेट प्रॉफिट सेल में थोड़ा कम रहा है दोस्तों, पर जो साल का देखें, लंबे इन्वेस्टरों के लिए हम देखें 2021-2022 का, 2021 में 344 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2022 में 551 करोड़ की सेल हुई है कंपनी की। देखो दोस्तों यहां पर सेल ग्रोथ तो ज्यादा बड़ी है, काफी बड़ी है। जो वही नेट प्रॉफिट देखें, 2021 का 201 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, वही 2022 का 312 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है कंपनी का। जो शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों, 999 शेयर प्राइस चल रहा है। जो 5 साल का इसने रिटर्न दिया 238, 5 साल का रिटर्न दिया दोस्तों। जो अभी 1 साल का रिटर्न है -20%, 1 साल का रिटर्न दिया दोस्तों। जो इसने हाई किया 1600 के लगभग, इस कंपनी ने हाई किया दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2-3% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में मैक्सिमम स्टॉक मार्केट तरफ बहुत जाएंगे, डीमैट अकाउंट बहुत खुलेंगे, तो इस कंपनी का
अकाउंट में, जैसे अकाउंट खुलेगा इसका बिजनेस ऐसे ही बढ़ेगा दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2030 तक तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा दोस्तों। इसका स्टॉक उस टाइम तक 2030 तक मैक्सिमम ज्यादा तो कहता नहीं, 3000 के लगभग इसका स्टॉक चला जाएगा दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस कंपनी में। अच्छा, अभी बहुत ही नीचे में स्टॉक आ रहा है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। सब्सक्राइब करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों।